हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लैपटॉप कूलिंग पैड की, जिसका मॉडल नंबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका जो ब्रांड नेम है जियोनिक्स। लाइट वेट है, साइलेंट ऑपरेटर है, और आप जो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, और यहाँ पर लिखा हुआ है लैपटॉप कूलिंग पैड, हाई एयर फ्लो, नो नॉइज, डुअल यूएसबी पोर्ट और एलईडी लाइट का ऑप्शन मिलता है। तो पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, आप वीडियो को पॉज कर कर जो है रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स को जो है ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में जो है कूलिंग पैड के साथ और क्या क्या जो है आता है। तो यहाँ पर बॉक्स में सिर्फ कूलिंग पैड है, तो इसका जो कवर है यहाँ पर सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, और ये इसका जो कलर है ब्लैक कलर में है, और यहाँ पर आपको जियोनिक्स की ब्रांडिंग भी जो है देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी लाइट वेट है और इसका जो वेट है 500 ग्राम है, और यहाँ पर आपको लैपटॉप ग्रिप जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लैपटॉप रखने के बाद लैपटॉप जो है वो स्लिप नहीं होगा। और पीछे की तरफ जो है यहाँ पर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है देखते हैं, तो काफ़ी सही है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी। और यहाँ पर आपको जो है ये एडजस्टेबल स्टैंड जो है मिल जाता है आपको, यहाँ पर आप इजीली इसकी हाइट को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाकर हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आपको जो है यूएसबी केबल भी जो है मिल जाता है, मेल टू फीमेल यूएसबी केबल है, यानी कि आप जो है इसको यूएसबी लगाकर आप जो है दूसरा यूएसबी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूएसबी हेडफोन लगाना है, पेन ड्राइव लगाना है, तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर आपको लैपटॉप रख कर बताऊंगा इस कूलिंग पैड के ऊपर। मेरे पास जो लैपटॉप है वो 15.6 इंच का लैपटॉप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रखते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है कंफर्टेबल फील होगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लैपटॉप रखने के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस पर लैपटॉप रखने के बाद जो है लैपटॉप स्लिप नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसकी जो थिकनेस है वो भी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लैपटॉप को जो है आप इस तरीके से रखने के बाद जो है आपका लैपटॉप जो है हाइट इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये यूएसबी केबल है मेल टू फीमेल, तो अभी यहाँ पर यूएसबी जो है आपको लैपटॉप से कनेक्ट कर कर बताऊँगा, ये जो है इसका एलईडी लाइट जो है कैसी दिखती है, और इसका फ़ैन का साइज़ जो है आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप को कनेक्ट करते ही यहाँ पर इसकी जो है एलईडी लाइट आपको शो हो रही है, और फ़ैन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और दोस्तों, यहाँ पर फ़ैन का जो साइज़ है 125 mm फ़ैन का साइज़ है, तो यहाँ पर आपका लैपटॉप भी जो है थोड़ा सा कूल करता है ये। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अभी यहाँ पर मैं एक वीडियो को जो है रेंडरिंग पर लगाया हूँ, यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर सीपीयू यूसेज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई चल रहा है। अभी आपको यहाँ पर कूलिंग पैड के ऊपर लैपटॉप रखकर भी इसी रेंडरिंग को कंटिन्यू होने देते हैं, तो उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस इसका कैसा आता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी इसका जो लैपटॉप है वो यहाँ पर रख गया हूँ, और इस कूलिंग पैड का फ़ैन भी जो है रन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीपीयू यूसेज यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो ग्राफिक टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसका और इसका जो प्राइस है वो 350 रुपीज़ का प्राइस है, तो बेस्ट है इस प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर आपके लैपटॉप को ये थोड़ा सा कूल करता है, अगर आप इसको गेमिंग करते हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं हेवी यूज़ के लिए, आप इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं इस कूलिंग पैड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।